Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, you are understanding, aren't you? Whatever I am teaching nowadays. Narration, direct speech and indirect speech. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इसका बोलचाल में इस्तेमाल होता है. फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इसका क्या बोलचाल में इस्तेमाल होता है, किस काम का है. होता है फ्रेंड्स, काफ़ी होता है, सीखना ज़रूरी है. ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, वॉइस का भी होता है. मैंने आपको कन्वर्सेशनल वॉइस पढ़ाया था, इसी तरह से नरेशन में भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, मैंने बताया था ना, अगर इस्तेमाल हम ना करें तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए नरेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, नरेशन में पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं वो बताया था आपको मैंने. और आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. इट्स अ नाइस डे, इजंट इट? यस, इट्स क्लाउडी एंड लिटिल कोल्ड टू फॉर अ चेंज. What was the temperature last week? It was too hot then. It was 40 degrees that day. That weather is very bad. I don't like that kind of weather. I guess everyone likes this weather. It's a little windy too today. I don't mind the wind. The little rain will certainly bring relief to everyone. Especially after that hot weather last week. Do you like the weather in this part of the country? Not really, but I am used to it now. But the paper says it's going to be cloudy now. Good, this is a good sign for everyone. Okay, let's go somewhere and have some snacks. What do you say? Yes, let's go. So, let's go. Friends, shuru karte hain. He said to me, who are you? अगर हम इसको इनडायरेक्टली किसी को बताना चाहेंगे कि उसने मुझसे कहा या पूछा कि तुम कौन हो, उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या लगाना पड़ता है, क्या क्या हटाना पड़ता है. इसमें आप देखो, he asked तो होगा ही, asked me. यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है, इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए यहाँ पर कुछ भी लगाना नहीं है, कुछ भी हटाना नहीं है. यहाँ पर सिर्फ जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ़ के बाद उसमें पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है, फिर इंट्रोगेटिव नहीं रहता वो. ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चंस नहीं रह के यहाँ पर पॉजिटिव वे में हम सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, बाकी लगेगा कुछ नहीं, दैट वैट कुछ नहीं लगाना है. तो यहाँ पर सिर्फ लगना है हु. अब यहाँ पर आर यू है, यू किसके हिसाब से है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. तो हु आई वॉज, हु आई वॉज, सिंपल है, अटपटा लगता है ना, नहीं लगता है ना, ऐसे ही बनता है और ऐसे ही इस्तेमाल भी करते हैं हम, ऐसे ही बोलते भी हैं. ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है, सुरेश आस्क मी वेयर डू यू लिव. हम डायरेक्ट में भी, डायरेक्ट सेंटेंस में भी आस्क लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. आप ये मत सोचना कि ये डायरेक्ट में आस्क कैसे लिख दिया, उसमें भी क्योंकि पूछा जा रहा है इसलिए हम आस्क लिख सकते हैं. तो सुरेश आस्क मी वेयर डू यू लिव. यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पीच का जो यू है वो कौन सा पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है. तो सेकंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड
अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, आई हो जाएगा। तो पहले हम वेयर तो लिखेंगे, वेयर आई डू यू लिव, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। इसको आप समझते जाना फ्रेंड्स, बहुत इजी है समझना। ही आस्क मी व्हाट इज योर नेम, तो इनडायरेक्ट वे में ही आस्क लिखेंगे मी। अब यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दैट वर्ड मत लगाना आप, कुछ भी यहाँ पर लगाने नहीं ना, दैट ना इफ ना वेदर, कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है। काफ़ी सारे लड़के दैट लगा लगा कर बना देते हैं, बोलचाल में भी दैट बोल देते हैं, चलता है बोलचाल में, चलता है लैंग्वेजेस है कम्युनिकेशन में चलता है, बट अगर सही देखने जाए तो सही है कि यहाँ पर कुछ नहीं लगता। फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं कि व्हाट, यहाँ पर योर नेम, तो ये ऑब्जेक्ट मी है यानी मेरे लिए है, तो माई नेम वॉज, व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। अभी तीसरा है, राधा सेड टू मी व्हेन विल यू गो, राधा आस्क मी। अब यहां पर है व्हेन विल यू गो, दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर होता है तो विल शैल का क्या हो जाता है, वुड या शुड, तो हम वुड लगाते हैं यहां पर, व्हेन, यहां पर भी यू है इसलिए आई हो जाएगा, व्हेन आई वुड गो, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है और एक बार समझ के थोड़ा याद रखना है इसको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करते थे, इफ लगाते थे या वेदर, इफ या वेदर लगाकर हम सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते थे, और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला अगर सेंटेंस है डायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम वहाँ पर ना दैट लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, डायरेक्ट हम सेंटेंस को पॉजिटिव वे में लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन आई वुड गो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।